मेकअप कर सकती है, कैन यूज़ अ कॉस्मेटिक फ्रॉम ब्रांडेड कंपनीज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस टॉपिक के ऊपर मैंने पहले भी बात कर चुके हैं, जैसे मेकअप यूज़ करना या कॉस्मेटिक यूज़ करना। मैं तो बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करता कि कॉस्मेटिक, वैसे भी कॉस्मेटिक यूज़ करना जो है वैसे भी हराम है। कॉस्मेटिक यू कैन ओनली यूज़ इन योर रूम एंड फॉर योर हस्बैंड ओनली। कॉस्मेटिक वैसे भी यूज़ करना एक फजूल है, बिकॉज वैसे भी घर महरम का बेनकाब होकर बाहर जाना इसको इजाज़त नहीं है एक कुरान की तरफ से। जैसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे सूरह नूर की आयत नंबर 31 में अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यारों में आखिरत पर ईमान रखती है उसको चाहिए कि घर महरम को देखे और नज़रें झुका ले। इसी तरह महरम अगर मर्द भी घर महरम को देखे तो अपनी नज़रें नीचे कर ले। तो यहाँ तक कि एक टोटली ही एक बैरियर लगा दिया गया है गैर महरम के बीच में। और कॉस्मेटिक जो मेकअप हमारे आजकल तो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ये भी नहीं सोचते कि कॉस्मेटिक भी यूज़ करना हराम है। जैसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो औरत घर से निकले बन चन के निकले और उसके साथ शैतान जाता है और जितनी नज़रें उसके ऊपर देखेंगी वो भी जो आँखों का जीना करेंगे और इसका गुनाह एक औरत के ऊपर भी चढ़ेगा। तो औरत का पहली बात ये कि घर से मेकअप करके निकलने की वजह क्या है, क्योंकि औरत के अंदर एक जो नफ्स में बैठा शैतान होता है उसको कन्विंस करता है कि तुम देखो अच्छी नहीं लगोगी, तुम इस तरह घर से बाहर जा रही हो और बेहतर है कि तुम जो है कुछ मेकअप कर लो, अपने आप को अच्छा साफ़ सुथरा करके बाहर जाओ। अच्छा, इसमें फ़र्क होता है साफ़ सुथरा रहना या मेकअप करके घर से बाहर निकलना। साफ़ सुथरा होता है जैसे आपने मुंह धोया, अच्छे से साफ़ सुथरा किया और निकाब पहना घर से निकल गए। अच्छा, एक और चीज़ है कि जो लोग निकाब करती हैं, अब ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जो ख़वातीन निकाब करती हैं उनका भी जो समझें कि एक आई ब्रो के अराउंड या आईज़ के अराउंड में जो एक बहुत ज़्यादा एक काजल वगैरह लगाया था, एक टू मच लगाया था, वो भी समझो कि गैर महरम को अट्रैक्ट करता है। अब ये भी चीज़ हिजाब में नहीं आती, सो उनको चाहिए कि उनकी आँखों को क्लीन करें या पूरा आँखों के आगे एक पर्दा गिराएं। इस चीज़ को एक इस्लामिक हिजाब कहा जाता है। अब ये नहीं कि किसी का खाली सर ढका हुआ है या कुछ लोगों की, यहाँ तक कि नाक तक होता है, कुछ लोगों का माथा और ये सारा एरिया नज़र आ रहा होता है, नाक भी नज़र आ रहा होता है, फिर हिजाब कहाँ है? सारा चेहरा तो नज़र आ रहा है, बाकी क्या रह गए? दांत रह गए बस, और बाकी क्या रह गए? बाल रह गए। सो दैट्स नॉट हिजाब। हिजाब इज समथिंग दैट द वुमन हैज़ टू बी कम्प्लीटली कवर्ड, ताकि गैर महरम की नज़र उस औरत के चेहरे पर ना जाए। और चेहरे पर एक तो ये है, एक ये जवाब जो है ऑलरेडी आपको सेकेंड क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं कि क्या कॉस्मेटिक अलाउड है या नहीं अलाउड है। तो कॉस्मेटिक एक तो ओनली अलाउड है घर में सिर्फ अपने शौहर के साथ एक कमरे में, बाहर अलाउड बिल्कुल नहीं है, इट इज़ टोटली हराम। नाउ द सेकेंड थिंग ये है कि आजकल के जो कॉस्मेटिक्स वगैरह ब्रांडेड नेम्स वगैरह बनाते हैं, जैसे मैक वगैरह है, या मुझे ज़्यादा किसी के नाम नहीं पता, या रेवलन वगैरह है मेरे ख्याल में, और मुझे किसी के ज़्यादा नाम नहीं पता। इसके जितने भी ब्रांडेड नेम्स वगैरह हैं इनमें मोस्टली क्या होता है कि कुछ मरे हुए जानवरों की टिश्यूज़ वगैरह यूज़ किए जाते हैं, जैसे मोस्ट ऑफ देम जो है पिक के टिश्यूज़ वगैरह यूज़ किए जाते हैं ताकि उस मटीरियल को ऐसा बनाया जाए। अच्छा, इसमें क्या होता है कि जो औरतें लगाती हैं उनको ये भी नहीं पता कि अपने चेहरे के ऊपर हराम लगा रही हैं, ठीक है, उनको ये भी नहीं पता होता। यहाँ तक कि पहली बात है कि औरत का बाहर जाना मेकअप करके हराम है, वो बेहिजाब बाहर नहीं जा सकती, और मेकअप लगाना तो वैसे डबल हराम हो जाता है। दूसरी बात, अगर एक शौहर के साथ कमरे में मेकअप कर रही है, अगर मेकअप शौहर के साथ कमरे में कर रही है तो वो भी जो मेकअप है पहले उसके बारे में रिसर्च करें और उसकी जो पूरी इन्ग्रीडियंट्स वगैरह होती है हर मेकअप के, जैसे आईब्रोज हैं या लिपस्टिक है या वो एवर, पहले सब इनके इंग्रेडिएंट्स पढ़ें कि ये क्या क्या चीज़ है, एक एक आइटम के ऊपर पहले रिसर्च करें कि कोई इसमें कोई हराम इंग्रेडिएंट्स नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे टूथपेस्ट वगैरह है, सोप है, कॉस्मेटिक्स वगैरह है, मोस्टली जो बनाए जाते हैं जो चीप होते हैं इनमें ये इस किस्म के मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं। अब यहाँ तक कि लोग मैक वगैरह की चीज़ें यूज़ करते हैं या रेवलॉन वगैरह की चीज़ें यूज़ करते हैं, मोस्टली मुसलमानों को ज़्यादा ख़वातीन को ये नहीं पता क्योंकि इनमें हराम इंग्रेडिएंट्स भी है। अच्छा, पहले मैंने दो सवाल के जवाब दे दिए, पहले ये है कि औरत का बाहर निकलना मेकअप लगा के हराम है, दूसरा अगर घर में भी वो लगा रही है तो पहले वो भी इस चीज़ को पता करके ये कॉस्मेटिक में कोई हराम चीज़ तो नहीं है, अगर वो लगा ली है तो इच्छुक है वो अपने शौहर के साथ कमरे में जो चाहे कर सकती है।